पौराणिक युग में कई ऐसे भक्त थे जिनके लिए स्वयं भगवान धरती पर उतरते और उन्हें अपना आशीष देकर स्वयं को गौरवान्वित मानते थे। ऐसी ही एक भक्त थी शबरी। शबरी का असली नाम श्रमणा था। ये भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थी, इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी हुआ। इनके पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने श्रमणा का विवाह एक भील कुमार से तय किया था, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी, किसी भी अच्छे कार्य से पहले जानवरों की बलि दी जाती थी। इसी प्रथा को पूरा करने के लिए शबरी के पिता शबरी के विवाह के एक दिन पूर्व 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब शबरी ने पिता से पूछा, पिताजी इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए हो? शबरी बिटिया, ये हम भीलों की एक प्रथा है जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हें विवाह की विधि शुरू करने से पूर्व इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। अच्छा, मुझे तुम्हारे विवाह के लिए बहुत काम है, मैं अभी आता हूँ। माँ, ये कैसी परंपरा है जिसके कारण बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाती है? बेटी, ये प्रथा शुरू से ही चली आ रही है, मेरे विवाह के समय भी ऐसा ही हुआ था। प्रथा के बारे में सुन शबरी को बहुत दुख हुआ। वो पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठी रही और उनसे बातें करती रही। उसके मन में एक ही विचार था कि कैसे वो इन निर्दोष जानवरों को बचा पाए। तब एकाएक शबरी के मन में ख्याल आता है, नहीं, मेरे कारण इन निर्दोष पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी। मुझे भोर होने से पूर्व ही घर से भागना होगा। मैं भली भांति जानती हूँ, अगर एक बार मैं इस तरह अपना विवाह छोड़कर घर से भागूंगी तो कभी इस घर में मुझे वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। शबरी के माता पिता गहरी निद्रा में सो रहे थे। शबरी उनको आखिरी बार प्रणाम करके घर से निकल जाती है, जिसके बाद शबरी एक घने जंगल में पहुँचती है। शबरी जंगल में भटक रही थी, तब उसने शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से कई गुरुवरों के आश्रम में दस्तक दी, लेकिन शबरी तुच्छ जाति की थी, इसीलिए उसे सभी ने दुत्कार के निकाल दिया। तेरा इतना साहस कि तू हमसे शिक्षा ग्रहण करने के विचार से आई है, तू एक तुच्छ जाति की भील कन्या है, इसलिए हम तुझे शिक्षा देकर स्वयं को पाप के भागीदार नहीं बना सकते। तू अभी के अभी ये आश्रम छोड़कर चली जा, तेरे लिए इस आश्रम में कोई स्थान नहीं है। ऋषिवर की बातों को सुनकर शबरी शांत भाव से उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चली जाती है। शबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम पहुँचती है। प्रणाम मुनिवर। जीती रहो पुत्री, कौन हो तुम? मुनिवर, मेरा नाम शबरी है। शबरी ने अपना परिचय देते हुए मतंग ऋषि से शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। मतंग ऋषि ने शबरी को सहर्ष अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया, लेकिन मतंग ऋषि फिर भी अपने कथन से पीछे नहीं हुए। उस दिन से शबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। शबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध दोहने के कार्य के साथ साथ सभी गुरुकुल के वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में लग गए। कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि शबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। मतंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपनी देह यहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं, मैं आपके कारण ही जीवित हूँ, आप मुझे अपने साथ ही ले जाएं। नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे बाद मेरे इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरु परायण शिष्या को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे यहाँ मिलने आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपनी देह त्याग कर समाधि ले लेते हैं। उसी दिन से शबरी हर रोज प्रातः उठकर बाग जाती, ढेर सारे फल इकट्ठा करती, सुंदर सुंदर फूलों से अपना आश्रम सजाती। शबरी को भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था, उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था, इसलिए वो रोज राम के इंतजार में समय बिता रही थी। वो रोजाना यही कार्य करती थी। एक दिन शबरी आश्रम के पास के तालाब में जल लेने गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने शबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंक कर मारा और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से तालाब का सारा पानी रक्त में बदल गया। तुझ अछूत के रक्त से इस तालाब का जल अपवित्र हो गया। तूने पाप किया है, तू पापिन है। मेरे क्रोध से बचना है तो इसी क्षण यहाँ से चली जा। ऋषि के कटु वचन सुनकर शबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई। उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उसने बहुत से जतन किए, लेकिन वो तालाब में भरे रक्त को जल नहीं बना पाया। उसमें गंगा, यमुना, सभी पवित्र नदियों का जल डाला गया, लेकिन रक्त
जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता हरण के बाद उनकी खोज में वहाँ आए, तब वहाँ के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस तालाब के रक्त को पुनः जल में बदल दें। राम, आप अपने चरण स्पर्श से इस तालाब के रक्त को पुनः जल में बदलने की कृपा करें। यदि मेरे इस कार्य से आप सबका भला होता है तो मैं ऐसा ही करूंगा ऋषिवर। राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। ऋषि उन्हें जो जो करने को बोलते हैं, राम वे सभी मंत्रोच्चारण करते हैं, लेकिन रक्त जल में नहीं बदलता। तब राम ऋषि से पूछते हैं, हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताएं। यहाँ ऐसा क्या घटित हुआ जिस कारण इस तालाब का जल रक्त में बदल गया? राम जी की बात सुनकर ऋषि उन्हें शबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं, हे प्रभु राम, ये जल उसी तुच्छ जाति की शबरी के कारण अपवित्र हुआ है। हे ऋषिवर, ये रक्त उस देवी शबरी का नहीं, मेरे हृदय का है, जिसे आपने अपने अपशब्दों से घायल किया था। मुझे देवी शबरी से मिलना है, उन्हें हमारे आने का संदेशा भिजवा दीजिए। तब शबरी को बुलावा भेजा जाता है। शबरी राम के आने की प्रतीक्षा में अपनी कुटिया को सजा रही थी। राम का नाम सुनते ही शबरी दौड़ी चली आती है। क्या मेरे राम आए हैं? शबरी के राम आ गए, मेरे प्रभु राम आ गए। मतंग ऋषि का कथन सत्य हुआ, मेरे राम आ गए, शबरी का उद्धार करने मेरे राम आ गए। जिनको देखने के लिए ये आंखें तरस रही थी, वो प्रभु श्री राम आ गए। शबरी मेरे प्रभु राम कहती हुई जब तालाब के पास पहुंचती है, तब शबरी के पैरों की धूल तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए ऋषिवर, आपके कहने पर मैंने सब किया, लेकिन ये रक्त भक्त शबरी के पैरों की धूल से जल में बदल गया। राम की बातों को सुनकर ऋषिवर को अपने कथन पर बहुत ग्लानि होती है। शबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है, उनके चरणों को पकड़ लेती है और अपने साथ आश्रम लाती है। उस दिन भी शबरी रोज की तरह सुबह से अपना आश्रम फूलों से सजाती है और बाग से चक चक कर सबसे मीठे बेर अपने प्रभु राम के लिए चुनती है। वो पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उन्हें अपने जूठे बेर परोसती है। ये मीठे बेर आपके लिए बाग से लाई थी, आप ये ग्रहण